परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्शन। ये कुछ वर्ड्स हैं, अगर इसके सिनोनिम्स हमको पता रहते हैं तो कई क्वेश्चन में हमको काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम ये रहती है कि कब हमको पी लगाना है, कब सी लगाना है, कब हमको परमुटेशन लगाना है, कब हमको कॉम्बिनेशन लगाना है, ये समझ में नहीं आता है। तो इनके जितने भी सिनोनिम्स हो सकते हैं वो आपको दिमाग में रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले हम एंड और के बारे में बात करते हैं। एंड और के बारे में, ये ए प्लेस पे हम खड़े हैं, ये कोई प्लेस है बी, और हमको ए से बी तक जाने के हमारे पास टोटल वेज हैं 3। फिर अब हमको पहुंचना है सी पर, सी तक जाने के टोटल वेज है हमारे पास 2। तो ये मान लिया P है, ये Q है, ये R है, ये L है, ये M है। तो A से C तक पहुंचने के टोटल वेज हम दो तरह से निकालेंगे, एक बार और से और एक बार एंड से। तो A P B L C, फिर A Q B L C, A R B L C, ये हो गया। एक बार हम P से गए B, फिर ये L C, A Q B पहुंचे, फिर L C, A R B L C। अब सारी चीजें हम M से करेंगे, A P A Q फिर A R, यहां से हम पहुंच गए B पर पहुंच गए। अब हम M उसके बाद C, M के बाद C, फिर M के बाद C, मतलब या तो इस वे से जाइए या इस वे से जाएं, या इस वे से जाएं या इस वे से जाएं, टोटल वेज हमको मिल गए 6। टोटल वेज आ गए 6, टोटल वेज 6 आ गए। इसके बाद ये तो हो गया हमें और का रोल, और वाले से। अब एंड से टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, ए से बी तक जाने के लिए रास्ते हैं हमारे पास 3, और बी से सी तक जाने के लिए टोटल वेज हमारे पास हैं 2, यानी कि कुल मिलाकर 6 वेज हो गए। तो हम लोग चाहे तो और से निकाल लें, चाहे तो एंड से निकाल लें। और के बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, और का मतलब प्लस होता है, और का मतलब प्लस, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग परमुटेशन के बारे में, उसके फॉर्मूले के बारे में, एनपीआर के बारे में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हम लोगों को। अब नेक्स्ट आगे हमने ए बी सी ये कोई 3 अल्फाबेट्स ले लिए। कहा जाए कि अरेंज एनी टू कोई भी दो को अरेंज करें, तो अरेंज क्या होगा, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए के बाद ए बी को बी ए कर देंगे, तो ये एक अरेंजमेंट है कि हमारे पास ये दो मार्कर हैं, एक ब्लैक है एक ब्लू है, इसको हम इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, तो ये दूसरा अरेंजमेंट माना जाएगा। तो इसमें ये आ गया बी ए सी बी ए सी, तो टोटल 6 आ गए। इसी तरह से अब ए बी सी डी,
ये मान लिया हमारे पास चार अल्फ़ाबेट्स हैं, अब कहा जाए कि दो दो को अरेंज करो, ओके, तो ए बी बी सी सी डी डी ए ए सी बी डी, ये आ गया, ये हो गया सिक्स। अब इसके बाद फिर इसका रिवर्स, इसका पूरा पी ए बी है तो बी ए होगा, फिर सी बी डी सी ए डी सी ए और डी बी, ये टोटल सिक्स हो गए, इधर भी सिक्स आ गया और यहाँ पर टोटल ट्वेल्व हो गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि चार हैं तो दो कर लिया, अब यहाँ पर इसमें तीन थे तो दो का हमने बना लिया ऑन द टेबल, ऐसे हमने पेन से बना लिया, लेकिन अब यहाँ पर अगर 13 होंगे और कहा जाएगा कि सेवन सेवन को अरेंज करो तो उस केस में तो हम लोग ऐसा नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में आउट ऑफ थ्री अल्फ़ाबेट्स हमने कितने को परमुटेट किया, टू को, आउट ऑफ थ्री परमुटेट किया टू को। इसमें हमने आउट ऑफ फोर हमने टू को परमुटेट किया, फोर पी टू। फॉर्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो थ्री पी टू का मतलब थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री माइनस टू फैक्टोरियल मीन्स वन फैक्टोरियल, यानी इसकी वैल्यू सिक्स आ गई। ऐसे ही 4p2 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मींस 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 24, ये 2 है, मिलाकर 12 आ गया। तो ये हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। नेक्स्ट आगे इसके बाद अब चीज़ों को समझना शुरू करेंगे हम लोग, धीरे 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 चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे सब कुछ, बहुत आराम से। अब कहा जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 6 और टोटल 6 डिजिट्स आर गिवन, कहा जाए कि दो दो को अरेंज करो, अरेंज एनी टू, अरेंज एनी टू, तो हम कहेंगे 6 लोग हैं, दो को अरेंज करना है, 6p2 आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आए हमें इस बात से मतलब नहीं, 6p2 आंसर आ जाएगा। अब कहा जाए अरेंज एनी थ्री, तो हम कहेंगे आंसर 6p3। इसी को ही अब वो दूसरी तरीके से भी कह सकता है कि इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है कि हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इसी तरह से इसमें भी कह सकता था कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो अगर वो डिजिट को अरेंज करवा रहा है वो, या फिर कितने डिजिट नंबर बनने हैं, वो बात एक ही है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वन से नाइन तक लिखते हैं नंबर्स, वन टू थ्री फोर से लेकर नाइन तक लिखते हैं। अब कहा जाए कि हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, फोर डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 9p4। फाइव डिजिट नंबर्स पूछा जाए तो 9p5। अब इसमें जो भी नंबर बनेंगे, पता नहीं क्या नंबर बनेंगे, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा फोर डिजिट में कि 2257 5539, ऐसा कुछ नहीं आएगा है। अब हमने यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। अब ये कोई बॉक्स है, पूछा जाए कि बताओ ये चार बॉक्स हैं, कहा जाए कि बताओ कि इसके पहले बॉक्स में 2 आए और लास्ट में 7 आए, कि कितने हमें इन दसों को अरेंज करना है 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल 10 हो गए।
इन दसों को अरेंज करना, और कह रहा है कि कंडीशन ये है कि फर्स्ट बॉक्स फिल्ड विद टू एंड लास्ट बॉक्स इज फिल्ड विद सेवन, तो ये दोनों तो फिक्स हो गए, यानी बाकी बचे एट, तो इन दोनों को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, एट पी टू। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हमारे सुनते रहिएगा ध्यान से, अब कहा जाए कि फर्स्ट प्लेस पर सेवन हो, लास्ट प्लेस पर जीरो हो, और अब इसको हम मान लें एक बॉक्स और आ गया, तो लास्ट प्लेस पर जीरो हो, तो हम कहेंगे, और कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना है, कोई भी नंबर बार बार नहीं आना है, तो सेवन और जीरो तो यूज हो गए, बाकी बचे एट नंबर्स, एट में से इन तीनों को हम अरेंज करेंगे, तो एट पी थ्री हो गया। अब आगे कहा जाए कि जीरो यहां पर हो, अब इन तीन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जीरो यहां पर हो, अब इन तीनों को अरेंज करना है, तो हम कहेंगे बाकी बचे नाइन पी थ्री हो गया, इन तीनों को अरेंज करना होगा तो 9p3। फिर अब कहा जाए कि फिर कोई बॉक्स है, अब कोई बॉक्स है, ये इसमें 5 बॉक्स है, कहा जाए कि पहला बॉक्स इज फिल्ड विद, पहला बॉक्स में जीरो ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के बचे चार प्लेस बचे हैं, उनको हम बाकी 9 में से अरेंज कर देंगे, 9p4 हो गया। ओके, अब आते हैं डिजिट्स पे, यहां से डिजिट्स पे आते हैं हम लोग, डिजिट्स की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक दे रखा है, कहा जाए हाउ मैनी फोर डिजिट बी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी फोर डिजिट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, ये पूछा जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर्स हैं, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं, तो ए पार्ट हमने लिख दिया 10p4 लिख दिया बगैर कुछ देखे हुए कि इसमें तो 0 भी है, इसमें 0 भी है, यानी कि इसमें वो नंबर भी इंक्लूड हो गए हैं, लाइक दिस, लाइक 7, 9, 1, ऐसे भी नंबर्स इंक्लूड हो गए हैं। भाई नंबर्स को तो नहीं पता ना कि हम 0 हैं या हम 1 हैं, तो यहाँ पर 10p4 किया तो इसमें इस तरह के भी नंबर इंक्लूड हो गए, और ऐसे नंबर अभी जस्ट पहले हमने किए थे कि जब 4 बॉक्स बनाए थे और कहा था कि ऐसे कितने बॉक्स भर जाएंगे कि जबकि 0 पहले प्लेस पर बैठा हो, तो आपने कहा था 9p3, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि 0 यहाँ पर रख दिया, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बचे 3 प्लेसेस और इनको हम 9 में से 3 को अरेंज कर देंगे, तो ये आ गया -9p3, इनको हमें सबट्रैक्ट करना होगा, वाई सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ऑल दे आर 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स हमको फॉर्म करने हैं। अब आया 5 डिजिट नंबर्स, तो ये आ गया 10p5 माइनस ये नंबर हटा दें जिसमें कि 0 पहले प्लेस पर हो, तो 0 पहले प्लेस पर हो ये कितना होगा, इसका मतलब वो नंबर जिनमें 0 पहले प्लेस पर हो, इन 4 को अरेंज करना है आउट ऑफ 9, तो -9p4 ये आ गया। अब एक बात हमको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जब कभी भी हम NPR वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, जब हम NPR क्लिक करते हैं तो कोई भी रिपीट नहीं होती है, तो नोट करके लिख दे रहे हैं, व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला NPR नो टर्म नो एलिमेंट रिपीट, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होता है, मतलब कहने का जैसे ABCD हमने किया था और कहा था कि दो दो को अरेंज करो,
तो 4p2 कर लिया था। अब 4p2 में ऐसा तो कोई टर्म नहीं था ना कि ए ए आ गया हो या बी बी आ गया हो या सी सी आ गया हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद अब कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 ये टोटल 6 डिजिट दे रखी हैं। कहा जाए कि ये 4 डिजिट नंबर्स बनाओ, 4 प्लेसेस हैं ये, इनमें इन नंबर्स को हमें रखना है। और ये भी कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कहने का कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है। तो इस प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, टोटल 1 से लेकर 6 तक कुछ भी रख लें चलेगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी रख लें चलेगा। मान लिया कि हमने इसमें 3 रख लिया, 3 अगर यहाँ पर रख लिया है तो अब हमारे पास कोई मना ही नहीं है, यहाँ पर नहीं मना कर रहा है, सेकंड प्लेस पे वापस फिर से 3 आ सकता है। मतलब यू कैन फिल दिस प्लेस अगेन बाय 6 वेज, सिमिलरली फॉर दिस फॉर दिस, तो ये आ गया 6 to the power 4। अब क्वेश्चन हो कि फाइंड 4 डिजिट नंबर्स या हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। और इसमें कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, 4 डिजिट नंबर बनाना है हमको। और कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउड है। तो अब बात को समझते हैं कि रिपीटिशन अलाउड है और 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमारे पास टोटल प्लेस हैं 4। हम इस प्लेस को 0 से लेकर 9 तक जो मन करे पुट कर देंगे, कोई कहने वाला नहीं है। हम इस प्लेस को भर सकते हैं 10 वेज से। मान लिया कि यहाँ पर 7 आ गया, अब 7 आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर 7 नहीं आ सकता है, क्योंकि व्हाट इज गिवन, रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पर भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे 10 नहीं आया, यहाँ पे 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेस पर हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। बाकी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रखिए चलेगा, क्योंकि 0 रख देंगे तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9000 इसका आंसर। अगर कहा जाता इसी में ही कि 5 डिजिट नंबर्स अगर पूछे तो बड़ा ही सिंपल सा मामला, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्लेस को हम भर सकते हैं 10th वेज से, इसको 10 वेज से, इसको भी 10 वेज से, फिर ये भी 10 वेज से आ जाएगा, और ये 9 वेज से, तो 9 × 10⁴ ये आ गया। अब इसके बाद रिपीटेशन लाउड में ही ये पूछा जाए कि 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, कितने इवन नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और कितने इवन नंबर होंगे, इसी केस में ही कितने इवन नंबर होंगे, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड। ओके, तो 1, 2, 3 ये आ गया। हम इस प्लेस को हम भर सकते हैं टोटल 5 तरह से। हम यहाँ पर 1 नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर हम या तो रखेंगे 0, ये प्लेस इस प्लेस में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, मतलब इस प्लेस को हम लोग भर सकते हैं 5 तरह से, बस
इसके अलावा कुछ और नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमको इवन नंबर चाहिए। इस प्लेस को हम भर सकते हैं भाई 10 वेज, क्योंकि मान लीजिए 4 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी, इस प्लेस को फिर 10 वेज से, और इस प्लेस को तो हम लोग 9 ही तरीके से कर सकते हैं। तो ये आ गया 4500, यानी कि टोटल 9000 आ रहा था, तो बाकी के ऑड नंबर भी इतने ही होंगे। ओके, अब इसमें और आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हो 0 से लेकर 9 तक दे रखा है, 4 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करनी है, 4 डिजिट नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 4 से डिविजिबल हों, ये निकालते हैं। एक बार करेंगे रिपीटेशन अलाउड, एक बार करेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहला रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड सेकंड रिपीटेशन अलाउड। हम लोग क्या निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय फोर। तो अब इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। 4 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को, कोई किसी भी नंबर को 4 से डिविजिबल होने के लिए उसके लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए 4 से। कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट के जो नंबर होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं सारे हम लिखेंगे, बाद में फिर हम आपको बता देंगे कि हाँ इसको कैसे जल्दी भी किया जा सकता है। 0408 20 24 28 32 36 40 40 के बाद 44 नहीं ले रहे हैं, वाय क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। 44 को हमने लिख दिया है लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। 48 52 56 60 64 68 72 76 80 then 84, फिर 88 नहीं लेंगे, फिर उसके बाद 92 एंड देन 96 ये आ गए। इनमें से वो नंबर एक टाइप के होंगे, वो कैटेगरी अलग है जिसमें कि जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 ये एक तरह से अरेंज होंगे। ये वाले जो बाकी बचे 6 कौन कौन से, 1 2 3 फिर 4 और फिर ये 5 और एक और बचा 6, ये 6 अलग तरह से अरेंज होंगे। मतलब इसके लिए नंबर ऑफ वेज जो होंगे सिक्स टाइम्स कुछ होगा और ये कितने हैं बाकी जो बचे थे, 1 2 3 4 5 6 ये आए थे टोटल 16 टाइम्स, ये कुछ और होंगे। ये हमको निकालना है इज इक्वल टू जो भी आंसर आया, मैं उससे मतलब नहीं। तो अब जिनमें जीरो यूज हो चुका है, जिनमें जीरो यूज हो चुका है तो ये चार प्लेस हैं, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, 4 डिजिट नंबर बनाना है। इसमें जीरो ऑलरेडी यूज हो चुका है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जीरो अगर ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं इन लास्ट के 2 प्लेसेस पे, यानी कि नाउ यू हैव टू अरेंज दीज 2 प्लेसेस आउट ऑफ 8 डिजिट्स, 8 में से हमको इन 2 को अरेंज करना है, तो 8P2 लिख दे रहे हैं। ऐसे कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, लेकिन 16 नंबर्स ऐसे हैं जिनके लास्ट प्लेस में जीरो यूज नहीं हुआ, तो किसी एक का हम निकाल लेंगे, बाकी जैसा 16 अगर लास्ट पे हो उसके लिए जो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वही 48 के लिए होगा, वही 64 के लिए होगा। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं जिनमें कि लास्ट प्लेस 1 और 6 से फेल हो,
तो आप कहेंगे कि इन दो को हम भर सकते हैं आउट ऑफ एट नंबर्स, एट पी टू लिख दिया, लिख तो दिया एट पी टू, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी क्या है, वो नंबर भी इंक्लूड हो गए जिनमें कि फर्स्ट प्लेस पर जीरो आ गया हो। अब ऐसे नंबर तो हटाने होंगे ना जिसमें कि फर्स्ट प्लेस पर जीरो आ गया, क्योंकि ये तो थ्री डिजिट नंबर हुआ। अब इसको अगर हम हटाएंगे, इसको हमें हटाना होगा, तो हमारा क्वेश्चन अब हम दूसरे तरीके से अपना इम्पोज करेंगे, दूसरे तरीके से हम बनाएंगे कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर हुज फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड विद वन, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके कि फर्स्ट प्लेस पर जीरो हो और लास्ट के दो प्लेस पर वन और सिक्स हो। आप कहेंगे सेवन लोग और बचे हैं और एक ही जगह को अरेंज करना है, तो सेवन पी वन, तो ये आ गया एट पी टू माइनस सेवन पी वन, ये आ गया हमारा टोटल केसेस। बाकी जो भी आंसर हो इस बात से मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड हो उस केस में क्या होगा, इसको रब कर देते हैं ये। अब नंबर ऑफ वेज, अब इसका बी वाला पार्ट तो वन टू थ्री फोर, तो हमने कहा कि जीरो से लेकर ये सब हम लोग कर रहे थे, तो टोटल मिलाकर ये ऐसे 25 केसेस होंगे, ऐसे 25 केसेस होंगे। इसमें अभी जीरो जीरो हमने नहीं लिखा है, लास्ट प्लेस पर जीरो जीरो हो तो वो भी होगा, लेकिन वो रिपीटेशन अलाउड वाला केस है। तो कितने, 16 ये वाले थे, 6 ये वाले थे, 22, और इसके अलावा 23, 24 और ये 25, ये केस हो गए। तो इन दो जगह को भर सकते हैं हम लोग 25 वेज से, इस जगह को 0 से लेकर 9 तक जो मन करे रख सकते हैं, लेकिन इस जगह पर हम 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब रख सकते हैं, इज इक्वल टू जो भी आंसर आ जाए। तो इन दो को हम भर सकते हैं 25 तरीके से, और इसको 10 तरीके से, और इसको 9 तरीके से, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे चीजें करते हैं। अब यही इसी क्वेश्चन को रखते हैं, फोर डिजिट नंबर से बनाते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। और क्वेश्चन है व्हेन डिविजिबल बाय 5, अब क्वेश्चन में है डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो 5 से अगर डिविजिबल है तो लास्ट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, बस। लास्ट प्लेस पर अगर 0 होगा, लास्ट प्लेस पर अगर 0 होगा, यानी कि अब 0 तो यूज हो चुका है, 0 यूज हो चुका है, इट मींस यू हैव टू फिल दीज 3 प्लेसेस आउट ऑफ 9 डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 9p3, क्योंकि इन्हीं 3 प्लेसेस को यू हैव टू फिल। अब इन 3 को हमें भरना है, लास्ट प्लेस पर हमारे पास 5 है, लास्ट प्लेस पर 5 है, तो इन 3 को हमने भर तो दिया 9p3 बगैर कुछ सोचे समझे, लेकिन फिर याद आया कि 0 भी इसमें कहीं टहल रहा है, 0 भी टहल रहा है, और कहीं वो 0 यहाँ पर आ गया, 0 अगर कहीं यहाँ पर आ गया तो तब तो गड़बड़ी हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 डिजिट नंबर। तो हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से पलट लिया, हमने कहा कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें कि 0 फर्स्ट प्लेस पर हो और लास्ट प्लेस पर 5 हो। आप कहेंगे 0 और 5 तो फिक्स हो गए हैं, यूज हो गए हैं, बाकी बचे 8 नंबर्स में से 2 को अरेंज करना है, 8p2। तो 5 से डिविजिबल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 9p3 प्लस 9p3 माइनस 8p2, ये हो गया आंसर। वैल्यू निकालने से मतलब नहीं, हमको मेथड ज़्यादा से ज़्यादा समझने हैं। अब रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड हो अगर तब क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड, तो अब इस केस में 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, लास्ट प्लेस को यू कैन फिल बाय ओनली टू वेज, दो ही तरीके से हम भर सकते हैं, तो ये 2 वेज हो गए। इसको आप 10 तरीके से भरिए, इसको 10 तरीके से भरिए, इसमें बचे रहिएगा 0 से,
जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी वन से लेकर नाइन तक जो मन करे रखिए, इज इक्वल टू आंसर जो भी आ जाए, ये हो गया आंसर। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब रिपीटिशन अलाउड का केस अगर होता है, तो जैसे हम बोलते हैं कि कितने फाइव से डिविजिबल होने वाले नंबर होंगे जबकि रिपीटिशन अलाउड हो, तो रिपीटिशन अलाउड में हर तरह के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। रिपीटिशन अगर अलाउड है तो 3750 ये भी नंबर इसके अंदर आएगा, 5770 ऐसा भी नंबर आ सकता है, 7770 ये भी आ सकता है, और 1000 ऐसा भी नंबर आ सकता है। लास्ट प्लेस पर अगर हम 5 रखें तो 355 ऐसा आ सकता है जबकि तीन बार 5 रिपीट हो, या 3755 दो बार 5 रिपीट हो, या फिर 3795 एक ही बार आया हो, या फिर 5555 चारों के चारों हो। तो जब रिपीटिशन अलाउड का केस होता है तो सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें, वो भी नंबर इंक्लूड होते हैं जिसमें कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें वो भी नंबर इंक्लूड होते हैं जिसमें कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो नोट करके इस बात को समझ लीजिएगा, रिपीटिशन अलाउड मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल, इसमें सब कुछ छुपा होता है, सब कुछ रहता है इसके अंदर। अब एक अच्छा क्वेश्चन इसी में ही, इसी बात पे हमको याद आ गया है, एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, by using digits जीरो वन टू थ्री से लेकर नाइन तक, when at least one digit is being repeated, कह रहा हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाई यूजिंग डिजिट जीरो वन से लेकर नाइन तक, वेन एटलीस्ट वन डिजिट इज बींग रिपीटेड। पूरी थ्योरी हम इसकी कर चुके हैं, कह रहा है कि एक नंबर जरूर रिपीट हो, यानी कि इसमें जो इसका जो आंसर हो वो कुछ ऐसा हो, 3577, 4999, या 6666। मतलब कहने का कोई नंबर या तो दो बार रिपीट हो, या तीन बार रिपीट हो, या चार बार रिपीट हो, ऐसे कितने नंबर होंगे। मतलब कहने का इसमें रिपीटिशन जो नॉट अलाउड वाला केस है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, टोटल नंबर में से इसका सॉल्यूशन, टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स माइनस रिपीटिशन नॉट अलाउड। टोटल नंबर का मतलब व्हेन रिपीटिशन अलाउड फोर डिजिट वाले हम लोग कर चुके हैं, कितना आया था, 9 × 10 × 10 × 10 ओके, तो और रिपीटिशन नॉट अलाउड कितना था, 10p4 माइनस 9p3 याद है। तो कैसे था, 1 2 3 4 इन चार को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 10p4 तरीके से, लेकिन वो नंबर हटाने होंगे जिनमें कि जीरो फर्स्ट प्लेस पर हो, ऐसे कितने नंबर होंगे, 9p3 ऐसे कितने नंबर होंगे, 9p3। तो ये नंबर हम लोग हटाएंगे, आंसर जो भी आ जाए, 4464 इसका आंसर आता है, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि
हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स, इतना व्हेन एटलीस्ट कोई एक डिजिट जरूर रिपीट करे। तो इसमें हमने क्या किया, टोटल में से रिपीटेशन नॉट अलाउड हटा देंगे, तो क्या बचेगा, कम से कम कुछ एक तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो पीएनसी चालू रहेगा, पीएनसी अभी हम लोग और करेंगे, अभी तो इसकी थ्योरी की स्टार्टिंग हुई है। ओके, इस लेक्चर में यहीं पे।